बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशुमार लोग जब ज़िंदगी में उनके अंदर कोई मसाइल होते हैं, ज़िंदगी में कोई मुश्किल होती है और काफ़ी परेशानी होती है, डिप्रेशन, बीमारियाँ और रिस्क में बरकतें नहीं होती और बेशुमार मसाइल ज़िंदगी का शिकार हो जाती है, तो फिर लोग सोचते हैं किसी ने जादू किया है या कोई किसी ने तावीज़ किए हैं। और मेरे तजर्बे के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक मेडिकल बीमारियों के साथ होता है और ज़हनी बीमारियों के साथ होता है। अगर कोई किसी ने जादू भी किया हो, अगर ये बात सच हो, क्योंकि जादू का वजूद है कुरान पाक और शरीयत के मुताबिक, तो जादू का इलाज क्या है, इस वीडियो में मुख्तसर मैं बता देता हूँ। आप वुज़ू करके बाकायदा बावज़ू बंदा हो और वुज़ू की हालत में आप जब भी परेशानी होने लगे तो आप पढ़ सकते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। और जो औरतें मखसूस हजाम में होती हैं वो भी इसको पढ़ सकती हैं, ये जो जिक्र मैंने बताया। इसके अलावा आप हर नमाज के बाद एक बार सूरह फातिहा, एक बार सूरह अल-इखलास, एक बार सूरह अल-फलक और एक बार सूरह अन-नास हर नमाज के बाद आप पढ़ें, और रात को सोने से पहले 10 मरतबा ये फिर ये अमल दोहराना है। यानी 10 मरतबा सूरह फातिहा, 10 मरतबा सूरह अल-इखलास, सूरह अल-फलक, सूरह अन-नास आप पढ़ेंगे, और दुरूद शरीफ भी कोई भी है, जैसे अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर किसी जादू का, तावीज़ का, बुरे अमल का किसी को अगर को हुआ इसका अमल दखल, तो ये अल्लाह ताला की कलाम ऐसा है कि ये सारी बुरे अमल और शैतानी अमाल को तोड़ देता है और ये सबसे आज़मूदा और बेहतरीन यह है। बाकी जो इधर उधर आप टीवी पर देखते हैं या एडवर्टाइज़मेंट में देखते हैं, लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, आम लोग वो लोगों को मुख्तलिफ हीले मानों से वो लूटते हैं और ना ही उनको आपकी दुख का, तकलीफ़ का, बीमारी का कोई एहसास होता है, बस वैसे ही आपको शक में मुबतला कर देते हैं। अगर कुछ भी ना हो, कोई मेडिकल रीज़न हो, कोई ज़हनी बीमारी हो, उसको भी वो जादू करार दे के आपसे पैसे बटोर दें। उनसे बचिए, खुद जो मैंने इस वीडियो में अमल बताया, अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकतवर है, अल्लाह ताला की पास ताकत है, उसी के पास इज़्ज़त ज़िल्लत, अल्लाह ताला के पास हर बीमारी का इलाज, और अल्लाह ताला रिस्क में बरकतें डालता है और अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में अमल लाता है, अल्लाह ही सब कुछ है। तो जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह इफाका होगा। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।